उत्तर प्रदेश के बागपत के मलकपुर चीनी मिल पर किसानों ने बकाया गन्ना भुगतान को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मिल को बंद कराकर सैकड़ों किसान मिल गेट पर धरने पर बैठ गए हैं। धरने को लेकर मिल कर्मचारियों और किसानों के बीच धक्का मुक्की व हाथापाई भी हुई। इसके बाद किसानों ने मिल कर्मचारियों को जबरन ऑफिस से बाहर निकालकर उन्हें भी धरने पर बैठाया। प्रदर्शन की सूचना पर पहुंचे गन्ना अधिकारी को भी किसानों ने धरने पर बैठा लिया और चीनी मिल के बाहर किसानों का धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। भुगतान न मिलने से खफा किसानों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। किसानों का कहना है कि जब तक बकाया भुगतान नहीं मिलेगा वह मिल के बाहर धरने पर बैठे रहेंगे। अकेले मलकपुर शुगर चीनी मिल किसानों का 200 करोड़ से ज़्यादा का गन्ना भुगतान बकाया है। इसको लेकर आज किसान उग्र हो गए हैं और प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हालांकि सीएम योगी ने भी किसानों को आश्वासन दिया था कि जल्द ही 31 जनवरी तक किसानों का बकाया भुगतान पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिससे नाराज सैकड़ों किसानों ने आज मलकपुर शुगर मिल को बंद करा धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। रिपोर्ट बागपत से संजय त्यागी। क्या नाम है आपका? राम सेवक। मलकपुर मिल में धरना दे रहे हो, क्या मांगे हैं आपकी, किस बात को लेकर? देखिए जी, मलकपुर मिल जो है भुगतान के विषय में बहुत ही अत्याचार किसानों के साथ कर रहा है। किसान जो है वो भूखा मर रहा है, वह पता नहीं किसान कैसी कैसी मुसीबतों से जूझ रहा है, परंतु मिल मालिक सिर्फ झूठ पर झूठ बोले जा रहा है और कभी कहता भुगतान जो है समय पर, क्या समय से बाद भी जो है एक एक साल भर तक भुगतान नहीं कर पा रहा है। इसलिए किसान जो है भुगतान के लिए मजबूर होकर किसान को धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, अन्यथा किसान भी धरना प्रदर्शन में कोई विश्वास नहीं रखता, परंतु ये सब कुछ मजबूरी में करना पड़ रहा है कि मिल प्रशासन जो है वो किसानों के साथ घोर अत्याचार कर रहा है, जिससे किसान जो है चारों तरफ से परेशान है। कितने दिन से किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन मिल प्रशासन क्या कहेंगे? हाँ जी, मिल मालिक आपका मामला संज्ञान में ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? हाँ जी, यही हम भी यही जानना चाहते हैं कि मिल मालिक या मिल प्रशासन किसानों के विषय में गंभीर नहीं है और किसानों के साथ ना ही आकर ढंग से बात करते हैं, ना ही कोई मजबूरी बताते हैं। हम ये भी पूछना चाहते हैं कि अगर बाय चांस हम अखबारों में इसमें पढ़ते हैं कि भाई फैक्ट्री घाटे में है, जब पेमेंट ही नहीं करा तो घाटे में कैसे चली गई? हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर फैक्ट्री घाटे में गई कैसे, जब पेमेंट ही किसान का नहीं करा तो पेमेंट में घाटे में फैक्ट्री कैसे चली गई? कितने गांव के किसान इसमें धरने में शामिल हैं आपको? यहां पर इस धरने में करीब करीब 84 या 85 गांव के किसान जो हैं वो इस समय मौजूद हैं। बागपत का जिला प्रशासन आपके धरने में शामिल हुआ है, आपकी समस्या जानने के लिए पहुंचा है जी? जिला प्रशासन बागपत का? हाँ, हमारी समस्या सुनने के लिए आया है यहाँ कोई? देखिए, हमने पीछे भी आंदोलन प्रदर्शन जो भी किसान जो है जैसा भी कर सकता है, ये इतना पढ़ा लिखा किसान नहीं है कि जो है कोई सुनियोचित ढंग से इस प्रकार का काम कर सके, परंतु हमारे बीच में अभी तक। मेरा नाम सुरेश पाल, डायरेक्टर गन्ना समिति लोन मलकपुर। हमारा जो मामला है पिछले साल का 17-18 का बकाया भुगतान को लेकर, हम 11-12-2018 में मिल में आए थे, पहले भी धरना किया था, उसमें हमें लिखित आश्वासन दिया गया था कि हम 30 जनवरी तक बकाया भुगतान कर देंगे। 30 जनवरी तक इन्होंने बकाया भुगतान किया नहीं, हमने लिखित में दिया था डीएम साहब को भी और प्रशासन को भी और मिल प्रशासन को भी, सबको दिया गया था कि अगर 30 तक भुगतान नहीं होगा 31 को अनिश्चित काल का धरना देंगे। यदि आज मिल प्रशासन कोई भी आकर यह बात नहीं करता और ये नहीं कहता कि हम पेमेंट इस तारीख तक दे देंगे और डीएम साहब लिखित में देंगे, तो हम इस किसान इस विषय पर सोचने पर मजबूर होगा, अन्यथा आज शाम को 4 बजे मैं सुरेश पाल आत्मदाह करूंगा और इसकी जिम्मेदारी डीएम साहब और मिल प्रशासन की होगी। कितना किसानों का बकाया भुगतान है और कितने किसानों का बकाया भुगतान? 250 करोड़ पिछले साल का है और 250 करोड़ अब तक हो गया, 500 करोड़ है और वो 500 करोड़ जब तक नहीं देगा जब तक फैक्ट्री नहीं चलेगी। पूर्ण भुगतान।